हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राडिया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। दोस्तों, मैं आज सभी पेरेंट्स को, स्पेशली यंग पेरेंट्स को, ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि बच्चों के आने के बाद आपका अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक हो गया है? क्या आपको ये लगता है कि बच्चों के आने के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है और इसीलिए आप ज़्यादातर फ्रस्ट्रेट रहने लगे हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि पेरेंट्स बनने से पहले हमें एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और उस पार्टनरशिप के ऊपर भी हमें थोड़ा सा काम करना होता है। दोस्तों, बढ़ते हुए डिवोर्स केसेस को देखकर, बढ़ते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को देखकर, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ऐसा तो क्या हो जाता है कि बच्चों के आने के बाद सब कुछ इतना बदल जाता है। अगर आप सही में हैप्पी पेरेंट्स बनना चाहते हो, अगर आप सही में कंटेंट पेरेंट्स बनना चाहते हो, तो ये कभी मत भूलना कि सबसे पहले आपको एक हेल्दी कपल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब ने सद्गुरु के बारे में तो सुना ही होगा। सद्गुरु हमेशा ये कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ मिनिमम 20 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या 20 सालों के बाद अगर हम बैठकर सोचेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या हमारे पास उतनी मेमोरीज़ होगी चेरिश करने को? अगर हमारा जवाब ना है तो हम इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गलती तो ज़रूर कर रहे हैं। पेरेंटिंग इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। ये बहुत सालों के लिए चलने वाली जर्नी है। इस जर्नी से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्हाट आई फील इज़ वी शुड इन्वेस्ट अवर टाइम, वी शुड इन्वेस्ट अवर एनर्जी इन अपलिफ्टिंग अवर रिलेशनशिप विथ अवर स्पाउस। आज मैं आपके साथ तीन ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करने की ट्राई करोगे तो आपका अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा हो ही जाएगा। इस टाइप के तमाम वीडियोस आपको मॉडर्न पेरेंटिंग पर ज़रूर मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, आप सब ने वॉरेन बुफे के बारे में सुना होगा। वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। उनको जब उनकी 50th एनिवर्सरी पर किसी ने पूछा कि आप अपने जो हैप्पी मैरिज है, अपनी जो हैप्पी फैमिली है, उसका कोई एक सीक्रेट बताओ, तो उन्होंने बहुत ही आसानी से ये उत्तर दिया कि ऐसा कोई दिन नहीं रहा 50 सालों के अंदर कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ टाइम जो है वो स्पेंड नहीं किया। वो जब भी सिटी के अंदर रहते हैं, वो जब भी घर पे होते हैं, तो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा टाइम वो उनकी वाइफ के साथ बिताए। उस टाइम के अंदर वो अपनी जो लाइफ है, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, उसके बारे में सब कुछ शेयर करते हैं। वो लोग अपने बच्चे की लाइफ को डिस्कस करते हैं और अपने बारे में सब बातें करते हैं। यही होता है किसी भी हैप्पी फैमिली, किसी भी हैप्पी मैरिज का सीक्रेट। मैं ये मानती हूँ कि बच्चों के आने के बाद हमारी ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम रूटीन की तरह जीते जाए। हमारे पास इतनी सारी मेमोरीज़ होनी चाहिए जिसको हम लाइफ टाइम चेरिश कर पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तीनों टिप्स के साथ। तो टिप नंबर वन विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इज़, आप सबको मान लेना चाहिए, आप सबको एज फैमिली समझना चाहिए कि पेरेंटिंग इज़ नॉट अ सिंगल हैंडेड प्रोसेस। आजकल के टाइम में कई सारी मॉम्स ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती है, इसीलिए उनके ऊपर काम का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर, फैमिली के जो भी फैमिली का जो भी काम रहता है उसका प्रेशर रहता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में होते हैं वो उनके पार्टनर्स रहते हैं, इसीलिए वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू आउट देयर कि अगर आप पेरेंट्स हो तो ये समझ लो कि पेरेंटिंग शुड बी अ टीम वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब बर्डन जो है वो मॉम्स के ऊपर हो। ऐसा कई घरों में होता है कि जब भी बच्चा बीमार पड़ता है, जब भी वो कुछ गलत काम करता है, जब भी कुछ ना कुछ गलत आदत में पड़ता है, तो आज भी सब लोग उनकी माँ को ही कोसते हैं। सब लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया, तुम्हारे माँ के संस्कार ऐसे हैं। ये सारा कुछ अभी भी हम माँ को बोलते हैं।
अगर आप अपने परिवार को समझाएंगे, अगर आप हेल्प के लिए पूछोगे तो आई एम श्योर दैट समबडी विल बी देयर टू हेल्प यू। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करो, ये समझ लो कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप अकेले सब कुछ हैंडल करने के लिए जाओगे तो आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे और ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती साबित होगी बाद में, आपको जीने में मज़ा नहीं आएगा। सो फॉर दैट जॉय, फॉर दैट हैप्पीनेस, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प टू समबडी। आप अपने पार्टनर से हेल्प लो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से हेल्प लो, किसी से भी हेल्प लो, लेकिन आपको हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि आप सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते अकेले। दोस्तों दूसरी जो टिप है वो ये है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आने के बाद, पेरेंट्स बनने के बाद, पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बस अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी जो हमारा फोकस है वो हमारा बच्चा ही होना चाहिए और इसीलिए सब कुछ बच्चे के लिए ही करना चाहिए। आई अग्री दैट बच्चा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आई अग्री दैट वी शुड डू एवरी गुड थिंग फॉर देम, बट उसके साथ साथ ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंडिविजुअल है, हमें भी कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। आप किसी भी तरह इन्वेस्ट करो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो, आप कुछ भी इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप जिम में जा सकते हो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक अच्छी बुक रीड कर सकते हो। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एनी हाउ। आप घर पर एक्सरसाइज करो, आप अच्छे कपड़े पहनो, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं मानती हूँ कि यू शुड फील गुड फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। आप अगर अंदर से खुश होंगे तो ही आप अपने बच्चों को भी खुश रख पाओगे, आप अपने पार्टनर को टाइम दे पाओगे। आपको पहले अपने आप को प्यार करना होगा, इसीलिए आपके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करो। यू हैव टू सीक गुड थॉट्स फ्रॉम अराउंड यू, यू हैव टू सर्व गुड थिंग्स। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम घर बैठे अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू दैट हाउ यू टेक द थिंग्स। कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही हारी हुई बातें करते हैं कि बस अभी तो सब ख़त्म, अभी तो ज़िंदगी ही ख़त्म, अभी तो जो है सो है, जैसे है वैसे रहेंगे। ये जो सारे जो मेंटालिटी होती है, ये जो सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसको हमें हमारे दिमाग से निकालना ही होगा अगर हम अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो। तीसरी जो टिप है वो है अपग्रेड योर सेल्फ। थोड़े ही दिनों पहले मैंने ये सुना था कि इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन यू आर डीग्रेडिंग, यानी कि अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे हर रोज़ तो आप अंदर से सड़ते जाओगे। ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। यू हैव टू डेवलप हॉबीज़, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। अगर आप अभी के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हो तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ नया सीखते जाओ। और हाँ, इस लर्निंग प्रोसेस में आपको मज़ा आएगा। अगर आपको सब कुछ पता रहेगा, अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ पता रहेगा तो आप भी अंदर से खुश रह पाओगे। आपको ये लगेगा कि यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग गुड। और मैं मानती हूँ कि अभी के टाइम में आप घर बैठे भी कितना कुछ कर सकते हो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, देन यू हैव इंटरनेट एट होम एंड यू कैन डू वेरियस थिंग्स फ्रॉम होम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अपग्रेडेड, राइट? सो दिस वॉज माई टिप नंबर 3। आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करते हो, आप इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर इन 3 टिप्स को आप ट्राई करोगे फॉलो करने की, देन आई एम श्योर दैट यू विल स्टार्ट लविंग योर न्यू लाइफ एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू पे लेटर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड टू मॉडर्न पेरेंटिंग। थैंक यू।